सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो थीम बता देता हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नंबर वन देखिए कुछ चीज़ें हैं। एक तो इस साल की मार्कशीट कब तक आएंगी, और इसके अलावा जो है मेरा प्रयास रहेगा मार्कशीट के अलावा जो टॉपिक जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं, मार्कशीट, फिर रिवेल के रिजल्ट, ठीक है, और इसके बाद सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम कब तक हो सकती है इस पे भी फोकस हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और 2024 की जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकती हैं, 2024 की एग्ज़ाम प्राइवेट और रेगुलर एंड रेगुलर, ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक हो सकती है, इन सबको लेकर के हम लोग एक वीडियो बना लेंगे। और इस वीडियो में मेरे सामने आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पर आएंगे, मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि बेटा आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के लिंक जो है ना वो मैंने शेयर कर रखे हैं, तो वहाँ से आप लोग जो है मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, क्योंकि सेकंड ईयर थर्ड ईयर के तो ज़्यादातर बच्चे जो है ऑलरेडी एडेड है। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग मार्कशीट की, तो मैं आपको बता दूं कि बीए की थर्ड ईयर की मार्कशीट आ चुकी है और कॉलेज में मिल रही है, बीएससी की भी आ चुकी है सेकंड और थर्ड की, और बीएससी फर्स्ट की मार्कशीट अगले 10 दिन में आ जाएगी बीएससी फर्स्ट की। यदि हम लोग बीए सेकंड ईयर की बात करें तो अगले 15 दिन में सेकंड की, और यदि फर्स्ट ईयर की बात करें तो अगले 20 दिनों में मार्कशीट आपकी कॉलेजों में आ जाएगी। अब बात करें रिवेल की, तो देखिए रिवेल का रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिवेल के रिजल्ट का मेरा जो अनुमान है वो ये है कि आप लोगों का जो रिवेल का परिणाम है वो संभवतया बीकॉम के परिणाम अगले हफ्ते में आ जाएंगे, जो ये वीक शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक में, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, और सॉरी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, फर्स्ट ईयर का उसके बाद आएगा, बीएससी थर्ड ईयर उसके अगले हफ्ते में, और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे रिजल्ट्स का आना शुरू हो जाएगा। बीए फाइनल का परिणाम कम से कम 15 दिन और लेगा, और बाकी जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी 20 से 25 दिन लग जाएंगे। तो ये एक मोटा मोटा सा आइडिया है मेरा रिगार्डिंग रिवेल के रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करें सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम्स के ऊपर, तो मुझे लगता है कि या तो इस महीने के आखिर में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम्स हो सकती हैं, सॉरी फॉर्म आ सकते हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम दीपावली से पहले हो सकते हैं, प्रस्तावित है। और यदि हम लोग बात करें रिवेल के फॉर्म जमा कराने की, तो मार्कशीट का आप लोग वेट करें, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर दें, और ऑफलाइन जो है जमा यूनिवर्सिटी में होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओरिजिनल मार्कशीट का इंतज़ार करना है, उसकी कोई लास्ट डेट फ़िलहाल नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जमा कर लेगी, कोई मेजर इशू वहाँ पर नहीं है। एक तो ये चीज़ थी। अच्छा, एक चीज़ को लेकर के बच्चे बहुत भ्रमित हो रहे हैं, वो है सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस यानी आपका जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर डिस्कशन बहुत सारे बच्चों का चल रहा है, तो 2024 में जो है सिलेबस क्या रह सकता है। तो मैं एमए वाले बच्चों को बता दूं पहले तो कि एमए प्रीवियस में आपका जो प्राइवेट और रेगुलर दोनों का सेम है, और जो 2022-23 का था वही सिलेबस आपके रहने की संभावना है ज़्यादातर विषयों में। और फाइनल वाले बच्चे जो है उनके प्राइवेट और रेगुलर का अलग अलग है, क्योंकि फाइनल में रेगुलर का सेमेस्टर है लेकिन प्राइवेट का जो है पुराना ही सिलेबस अभी चलेगा, जो कि ये ऑलरेडी 22-23 वाला था। तो एमए वाले बच्चे जो है इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज नहीं हो, उनका जो सिलेबस है वो अमूमन वही रहेगा। अब हम लोग बात करें बीए बीएससी और बीकॉम पार्ट वन। देखिए मैं पेपर के पैटर्न के ऊपर बाद में डिस्कस करूँगा, अभी जो मेरा प्रयास है वो सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा।
तो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर की हम लोग बात करें तो जो 2023-24 वाला सिलेबस है वो अपलोड अभी नहीं हुआ है। मैं मोटा सा यदि आइडिया आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले साल का फर्स्ट पेपर था सारी क्लासेज में, चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, वो आपका सभी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट है उनका फर्स्ट पेपर ही आपका सेमेस्टर वन में होगा। ये फाइनल नहीं है बट ये अनुमान है मेरा कि यही वाला पेपर जो है आपके सेमेस्टर वन में होगा, जो 2022-23 में पेपर वन था। पेपर वन आप लोग नोट करें इसको, पेपर वन जो था वही रहने की संभावना है। और यदि थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़े तो जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है उनमें पिछले साल का ही सिलेबस रहेगा, लास्ट ईयर जो सिलेबस था वही एज इट इज रहेगा। और इनके वार्षिक परीक्षा होंगी, एनुअल एग्जाम्स होंगी। और जो ये बच्चे हैं इधर वाले इनको जो है मेरे सामने ज़्यादा इश्यूज नहीं आने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इधर वाले स्टूडेंट्स हैं 2023-24 में जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं इनका सेमेस्टर है और इनके चार पेपर होंगे और इनके छः पेपर होंगे। इनके फर्स्ट फर्स्ट पेपर होंगे और एक पेपर कंपलसरी होगा। इधर तीनों पेपर जो है सब्जेक्ट के होंगे, छः पेपर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड करके। तो ये एक पैटर्न है और इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहें। एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे बार बार में पूछ रहे हैं कि 2024 के जो परीक्षा फॉर्म हैं वो कब आएंगे। तो मैं इसको लेकर के ये बहुत पहले बना रहा हूँ हालांकि वीडियो, इसको लेकर के बच्चे अभी कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं फिर भी बता दूं कि देखिए 15 दिसंबर के आसपास मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम फॉर्म आने चाहिए। आप लोग यूनिवर्सिटी की साइट को डेली विजिट करते रहे कि 15 दिसंबर के आसपास संभवतया ये जो है, हो सकता है कि फर्स्ट वीक में भी आ जाए, लेकिन 15 दिसंबर के आसपास जो है आप लोगों के ये एग्ज़ाम फॉर्म आने चाहिए। ये दोनों के लिए होंगे, प्राइवेट और रेगुलर। तो किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, ना परेशान होना है। और एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो एग्ज़ाम को लेकर के जहाँ तक मुझे लगता है जनवरी का लास्ट वीक जो है, इस बार सेमेस्टर वाले बच्चे जो है जनवरी के लास्ट वीक में, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, वो फेब के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में, मान के चले कि उनके पेपर शुरू होने की संभावना है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है तो उससे पहले शायद पेपर होने की संभावना है कुछ पेपर्स की, और बाकी पेपर हो सकता है बाद में चले जाएं। तो आप अपने पेपर्स को लेकर के थोड़ी सी स्थिति को स्पष्ट करके रखें कि कब तक आप लोगों के पेपर हो सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ तो इससे रिलेटेड वीडियो जो रेगुलर बेसिस पर बनाऊंगा। और जो सिलेबस है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, और फर्स्ट ईयर के में अभी टाइम लगेगा। तो सिलेबस को लेकर के डिस्कशन, डेफिनेटली वी आर मेकिंग ए डिस्कशन रिलेटेड टू सिलेबस। और बहुत जल्दी मैं लगभग सारी सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस की उनको यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ पढ़ाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका समर्थन मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों।